हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स, वो भी IBACIO 2017 के लिए। देखिए, कई सारे मेन अभी स्कीम्स आई हैं, कई सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं नई सारे, और कई सारे ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं IB में आने के, तो हम उन सबको देखेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपको दिख रहा है वो एक नई स्कीम आई है, जिज्ञासा, जिसमें देखिए इस स्कीम में क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका गेट टुगेदर रखा गया है कुछ साइंटिस्ट के साथ, जिन जो कनेक्ट प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके अंदर दो हैं, देखिए साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है CISR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और स्टूडेंट्स के लिए आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, ठीक है। और इसको देखिए लॉन्च किसने करा है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फर्स्ट एडिशन ऑफ विंग्स 2017, सब उड़ें और सब जुड़ें। देखिए एक नया विंग्स आया, इसमें पूछ सकते हैं कि विंग्स 2017 का स्लोगन क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या, जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो नई दिल्ली से बस ये जोड़ने की बात की गई है। इसमें देखिए पहला एडिशन है 2017 का, इसमें क्या है जितने भी रीजनल एरियाज़ हैं उनको नई दिल्ली से जोड़ने का इनका काम किया है। देखिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसका काम है, और जो इसको चेयर करेंगे वो है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री पी अशोक गजापति राजू। देखिए और नेक्स्ट देखिए जो एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई है, ठीक है, उसमें पहली बार इंडिया ने टॉप किया है मेडल टैली में, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भुवनेश्वर में हुआ था इसमें इंडिया के पास 5 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए हैं। और जो चाइना है देखिए वो सेकंड स्पॉट पर है 20 मेडल के साथ, जिसके पास 8 गोल्ड 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। कजाकिस्तान जो है वो थर्ड पे आया है, जिसने 8 मेडल लिए हैं जिसमें 4 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। और देखिए यहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया है, मुझे थोड़ा लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, शायद गोल्ड ये कम होने चाहिए थे, 8 कर दिए हैं, क्योंकि अगर 8 गोल्ड हैं तो चाइना फर्स्ट होना चाहिए था, पर यहाँ पर इंडिया को फर्स्ट दिखाया। तो जहाँ से मैंने कलेक्ट किया डाटा, देखिए शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक बार आप चेक करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि अगर क्या इसमें कोई गड़बड़ है, अगर गड़बड़ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए ये तो कन्फर्म है कि जो ओली था वो मैस्कॉट था इस चैम्पियनशिप का, तो ये आपको याद रखना है, मैस्कॉट भी पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए आया था जो प्रेसिडेंट था उसने लॉन्च किए थे 3 डिजिटल इनिशिएटिव जो ई एजुकेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला तो देखिए था आपका स्वयं नाम से, दूसरा था आपका स्वयं प्रभा, और तीसरा था नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी। स्वयं क्या है देखिए इसका सीधा इन तीन का रोल क्या था कि ये जो ई एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, और जो हायर एजुकेशन का रेशो तो वो 24.5 to 30 तक ले जाना था 2020 तक। अब देखिए स्वयं में क्या है कि एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज खुलेगा स्वयं में, जिसमें क्या होस्ट करेंगे कई सारे क्लासरूम जो 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के होंगे। ऐसी स्वयं प्रभा है जिसमें क्या है देखिए प्लेटफॉर्म 32 DTS चैनल होंगे जो सिर्फ 24 घंटे GSAT-15 सैटेलाइट के द्वारा सिर्फ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाया करेंगे, ठीक है, ये स्वयं प्रभा से। और नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी का मतलब है कि ये हमें फैसिलिटी देगा किसकी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स की, ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए। थर्ड है देखिए यूनेस्को डिक्लेयर्स अहमदाबाद एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। देखिए तो जो यूनेस्को ने है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर अहमदाबाद को भी अपना एक दे दिया है। और ये जो कमेटी थी ये क्राको इन पोलैंड में बैठी थी, और 20 कंट्री नॉमिनेशन थी जिसमें आपकी टर्की, लेबनन, ट्यूनिशिया, पुर्तगाल, पेरू, कजाकिस्तान की भी कई सारी कंट्रियाँ थी। और आउट ऑफ 287 वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, टोटल 287 सिटी हैं वर्ल्ड हेरिटेज में, और सिर्फ ऐसी 2 इंडियन सिटीज़ हैं जिनको सब कॉन्टिनेंट की जिनको वर्ल्ड हेरिटेज का वो मिला है ऑप्शन, ठीक है। देखिए भक्तपुर है नेपाल में और गैली है श्रीलंका में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, श्रीलंका और नेपाल की भी 2 सिटीज़ को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज का मेडल। और उसके बाद देखिए बात करें तो अहमदाबाद इज़ द सिटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, आपको पता है साबरमती रिवर के किनारे बहती है। विजय रूपानी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, और यूनेस्को जो का हेडक्वार्टर है वो फ्रांस और पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस में। इराना बुकोवा ये देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को भी हैं। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर द यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है।
उसके बाद देखिए बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अभी जो निकल कर गया है ये आपको याद रखना क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज बींग ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 11 जुलाई, ठीक है 11 जुलाई को आता है। जो उसकी थीम थी इस साल की वो थी फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल एंड डेवलपिंग नेशन, ठीक है कि फैमिली प्लानिंग करना है, पावर बढ़ा ली लोगों के और देश को डेवलप करना है। एंटोनियो गुटेरेस ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है ये आपको याद रखना है। गुजरात टू गेट इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर, देखिए अभी जब बुलेट ट्रेन आई थी तो एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था हाई स्पीड रेल का जो गुजरात में बनाया गया था, आपको याद रखना है। ये सिर्फ एक लौता सेंटर है पूरे इंडिया में जो ऐसी हाई स्पीड ट्रेन की ट्रेनिंग देता है, ठीक है। और ये इसका देखिए जो बुलेट ट्रेन है वो 2023 तक चलने का पूरा इरादा है और जो ऑपरेटिंग करना है वो 2020 तक इनका करना है पूरा। तो और जो इससे देखिए अचल खरे हैं, अचल खरे इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, ठीक है NHSRC। उसके बाद देखिए इंडियन नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है कि इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर द सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी सरस्वती, देखिए इंडियन साइंटिस्ट ने एक सुपर क्लस्टर खोजा है गैलेक्सी का जिसको सरस्वती के नाम से जाना गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री ए टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैज़ क्लेम टू हैव ए डिस्कवर्ड एन एक्सट्रीमली लार्ज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड सरस्वती, ठीक है। इसमें कहते हैं कि सुपर क्लस्टर वाज डिस्कवर्ड बाय द शिशिर संख्यानन, ठीक है ए PhD स्टूडेंट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। तो इन्होंने खोजा है शिशिर संख्यान ने ये जो सुपर क्लस्टर है और ये पुणे में पढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद ये भी आपको याद रखना है कि जो मिल्की वे है वो हमारी गैलेक्सी है हमारे सोलर सिस्टम की, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें देखिए आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रेसिडेंट अवार्ड्स IIMB, ठीक है IIMB जो प्रेसिडेंट है हमारे प्रणब मुखर्जी है, ये पुरानी न्यूज़ है, देखिए जो अभी प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम की न्यूज़ है, अब जो बदल गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पर जब प्रणब मुखर्जी थे अब इसको आप प्रेसिडेंट से हटा के प्रणब मुखर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए कि प्रणब मुखर्जी को, ठीक है, अवार्ड मिला था IIM बेंगलोर की तरफ से फॉर मेकिंग मैनेजमेंट एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल थ्रू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब वो नहीं रहे, बदल चुके हैं। तो और आपको देखिए याद हो, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइए कि इस वक्त नए प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है मुझे कमेंट में लिख के बताइए। नॉर्मली सबको याद होगा पर जिसको याद नहीं है तो उसे याद आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए रेलवे लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड डेमू ट्रेन, ठीक है। तो देखिए इंडिया में डेमो जो सोलर पावर से चलने वाली ट्रेन है वो बहुत ही कम है, पर इंडिया ने पहली ऐसी डेमो ट्रेन सोलर पावर जो है वो निकाल दी है जिसकी फुल फॉर्म बात करें तो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन, ठीक है, विद द यूनिक फैसिलिटी ऑफ बैटरी बैंक फ्रॉम द सफदरजंग स्टेशन न्यू दिल्ली, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सफदरजंग स्टेशन चले जाइए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा बैटरी बैंक अगर वहाँ पर है या नहीं, ठीक है। ए सोलर पावर डेमो ट्रेन विद 6 ट्रेलर कोचेज विल सेव अबाउट 21,000 लीटर्स ऑफ डीजल एंड देयर बाय कॉस्टिंग ऑफ 12 लैक्स एवरी ईयर, ठीक है 12 लाख का टोटल डीजल होता था जो अब वहाँ से बच जाएगा। देखिए मैंने देखा है जब मैं नई दिल्ली स्टेशन गया था, मैंने देखा था वहाँ पर छत पे सब जगह पूरे स्टेशन की छत पे सोलर जो हैं पैनल्स वो लगाए जा रहे हैं, तो हो सकता है इसीलिए लगाए जा रहे हो कि वहाँ से बैटरी से वहाँ की जो पावर बैंक है उसको भरा जाए। देखिए KK वेणुगोपाल जो हैं वो नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं हमारे इंडिया के, तो आपको याद रखना है पहले मुकुल रोहतगी थे, अब उनके हटने के बाद जो KK वेणुगोपाल हैं वो नए अपॉइंट हो गए हैं अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट देखिए आईफा अवार्ड 2017 की जो लिस्ट ऑफ विनर्स है ये आपको याद रखना है, ये न्यूयॉर्क में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। सोनम कपूर को फिल्म नीरजा के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड का सम्मानित हुआ था, शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड का अवार्ड मिला था उड़ता पंजाब में, ठीक है आईफा अवार्ड जो 2002, और जबकि बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला था आलिया भट्ट को उसी सेम फिल्म उड़ता पंजाब में। तो देखिए कुछ लिस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, बेस्ट फिल्म आई थी नीरजा, बेस्ट डायरेक्टर थे अनिरुद्ध रॉय, ठीक है पिंक मूवी के लिए, बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला था शाहिद कपूर उड़ता पंजाब, बेस्ट एक्ट्रेस ठीक है आप एक्टर फीमेल कह लीजिए आलिया भट्ट को मिला था उड़ता पंजाब के लिए, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल शबाना आजमी नीरजा मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल अनुपम खेर जो थे MS धोनी के अंदर, और बेस्ट डेब्यूटेंट फीमेल थी दिशा पठानी MS धोनी के अंदर ही, बेस्ट डेब्यूट मेल में मिला था दिलजीत दोसांझ उड़ता पंजाब के लिए, बेस्ट लिरिस्ट मिले थे अमिताभ भट्टाचार्य फॉर द सॉन्ग चन्ना मेरे जो दिल है मुश्किल का अच्छा गाना है, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए मिला था अमित मिश्रा को फॉर ए दिल है मुश्किल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर फॉर उड़ता पंजाब एंड तुलसी कुमार फॉर एयरलिफ्ट, ठीक है।
उसके बाद देखिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो प्रीतम को मिला था ए दिल है मुश्किल के लिए, देखिए तो गाना चुराता है पता नहीं कहाँ से। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल तो वरुण धवन को मिला था डिसम के लिए, देखिए कॉमेडी रोल के लिए। उसके बाद देखिए मिंत्रा स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिला था आलिया भट्ट को, और आईफा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तापसी पन्नू के लिए, क्योंकि देखिए साउथ से हैं ये और इन्होंने बॉलीवुड में कई सारी बहुत बेहतरीन मूवियाँ दी हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका मटुंगा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन बाय वुमेन। देखिए मटुंगा जगह है जो आपकी पहली ऐसी स्टेशन हो गई है जहाँ पर आपका पूरा जो स्टाफ है वो वुमेन द्वारा चलाया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वुमेन हैव बीन मैनिंग इज दिस स्टेशन मैनेजिंग दिस स्टेशन विच फॉल्स ऑन द सेंट्रल रेलवे, ठीक है। सिंस द पास्ट टू वीक्स ए टोटल 30 वुमेन स्टाफर्स इंक्लूडिंग 11 बुकिंग क्लर्क 5 RPF पर्सनल 7 टिकट चेकर्स आर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेशन मैनेजर ममता कुलकर्णी सिंस लास्ट टू वीक्स। तो देखिए पूरा ये लगभग 2 हफ्तों से पूरा औरतों द्वारा चलाया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेल्सन मंडेला की अगर बात करें तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो आता है वो 18 जुलाई को आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अफ्रीका में बहुत काम किया था, साउथ अफ्रीका में, और महात्मा गांधी के साथ भी वो काम कर चुके हैं। तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, ठीक है। ये उनका बर्थडे था उस दिन। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन इज डेडिकेटिंग दिस ईयर्स मंडेला डे टू एक्शन अगेंस्ट द पॉवर्टी ऑनरिंग नेल्सन मंडेला लीडरशिप। तो देखिए नेल्सन मंडेला फाउंडेशन भी है जो इस साल से जो पॉवर्टी है उसके लिए काम करेगी, ठीक है। और 2009 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था नेल्सन मंडेला डे के लिए 2009 में, ठीक है। फर्स्ट यूएन मंडेला डे हेल्ड ऑन 18 जुलाई 2010, और नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री साउथ अफ्रीका। तो पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट आपका है द विंबलडन 2017 की, देखिए कंप्लीट लिस्ट है विनर्स की विंबलडन 2017, तो आपको याद रखना है 131वां एडिशन था ये विंबलडन का जो 16 जुलाई 2017 को यहाँ पर खेला गया था, ठीक है, लॉन टेनिस में। तो इसकी अगर बात करें तो देखिए विनर्स आपको याद रखने हैं, विनर थे रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के, मरीन किलिक को हराया था जो क्रोशिया के थे, क्रोटिया के। वुमेन सिंगल की बात करें तो गार्बिन मुगुरुजा जो स्पेन की थी और वेनस विलियम्स को हराया था। मेंस डबल्स की बात करें तो लूकास क्यूबेट जो पोलैंड के थे, मार्केलो मेलो ब्राज़ील के और ओलिवर मार्स। देखिए आपको ये नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये मेन याद रखने हैं, ठीक है, कि मेंस सिंगल्स में कौन जीता था। और मिक्स डबल्स में अगर कोई इंडियन है या कहीं इधर आपको कोई इंडियन दिख रहा था वो आपको याद रखना है। तो देखिए ये पूरी लिस्ट थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।